हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली सल्तनत पर बनाई पहली वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज मैं इसी वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पर खिलजियों का शासन 1320 तक रहा और उसके बाद दिल्ली की सत्ता को संभाला तुगलक्स ने। दिल्ली पर उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। उनकी सत्ता 1320 से 1414 तक चली। तुगलक डायनेस्टी का पहला शासक ग्यासुद्दीन तुगलक था। उसने 1320 से 1325 तक यानी 5 साल तक दिल्ली की सत्ता को संभाला। उसने गाजी का टाइटल एक्सेप्ट किया था। उसने अपने शासनकाल में दो महत्वपूर्ण चीज़ें की। एक तो पोस्टल सर्विस की शुरुआत की और उसने बहुत सी नहरें बनवाई। उसके बेटे जौना खान ने उसे मार दिया और खुद दिल्ली का शासक बन बैठा। उसका असली नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक अन्य सभी शासकों की अपेक्षा ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसके द्वारा लिए गए ज़्यादातर निर्णय गलत हुआ करते थे। उसने अपने शासनकाल में टोकन करेंसी चलाई। उसने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो भी कार्य किए, सिर्फ उसी में उसे कामयाबी मिल सकी। बाकी उसकी कोई भी नीति काम नहीं आई, इसलिए जनता उसे पागल राजा भी कहती थी। उसके बाद दिल्ली की सत्ता को फिरोज शाह तुगलक ने संभाला। उसके शासनकाल में उसके आदेश पर अशोका के शिलालेखों को नेपाल से भारत लाया गया। उसने जौनपुर की स्थापना की, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था। उसने अपने शासनकाल में अनेक प्रकार के टैक्स जनता पर लगा दिए। जजिया नाम का एक टैक्स, जो पूर्व में महिलाओं और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, वह अब सभी से लिया जाने लगा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने जो नहरें बनवाई थी उन पर भी फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स लगा दिया। खेतों में सिंचाई के लिए यदि नदियों का पानी कोई उपयोग करता तो उस पर उसे टैक्स देना होता था, जिसे हके शर्फ कहा जाता था। 1412 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली पर किसी शासक ने प्रॉपर तरीके से शासन नहीं किया। तख्त 2 सालों तक ऑलमोस्ट खाली रहा। 1414 से दिल्ली की सत्ता को सैयद ने संभाला। 1414 से 1450 तक दिल्ली पर उनका शासन रहा और उसका फाउंडर खिजर खां था। इसके बाद 1451 से 1526 तक दिल्ली पर लोदीज ने शासन किया। लोदी डायनेस्टी का फाउंडर बहलोल लोदी था। दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वाला वह पहला अफगानी शासक था। अपने शासन काल में उसने बहलोली कॉइन्स जारी किए। उसके बाद सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा। 1504 में उसने आगरा सिटी का निर्माण करवाया और 1506 में उसने आगरा को अपना कैपिटल बनाया। उसने जमीन नापने के लिए गजे सिकंदरी नाम से एक इकाई बनाई, जिसे आज हम गज के रूप में जानते हैं। सिकंदर लोदी एक पोएट भी था। उसने गुलरुखी नाम से अनेक कविताएं भी लिखी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसने 1517 से 1526 तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत और लोदी डायनेस्टी का वह आखिरी शासक था। इसको कोई भी पसंद नहीं करता था। वह एक दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था। उसके बाद बाबर ने 1526 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार गिराया और 1526 में दिल्ली पर मुगल शासन की शुरुआत हो गई। मुगल शासन को हम दिल्ली सल्तनत में काउंट क्यों नहीं करते, ये हम मुगल साम्राज्य की अपनी अपकमिंग वीडियो में समझेंगे। इसका मुख्य कारण था कि मुगलों ने केवल दिल्ली के तख्त पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।